शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। बड़ी खबर मिल रही है अयोध्या से। जी हां, अयोध्या में 22 जनवरी यानी कि कल राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान की शुरुआत 16 जनवरी से हो चुकी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े आज के अनुष्ठान में पहले रामलला के मंडप की पूजा की जाएगी, उसके बाद 108 कलशों के औषधि युक्त जल से रामलला का दिव्य स्नान होगा, फिर रामलला को विश्राम दिया जाएगा यानी रामलला की मूर्ति को शैया पर लिटाया जाएगा। तो आज का ये कार्यक्रम है, रामलला के मंडप की पूजा होगी, 108 कलशों के जल से दिव्य स्नान किया जाएगा, उसके बाद विश्राम किया जाएगा। रामलला शैया पर लेटेंगे और वो विश्राम करेंगे। तो प्राण प्रतिष्ठा में आज रामलला के मंडप की पूजा होनी है। ये पूरा जो कार्यक्रम है वो 16 जनवरी से ही शुरू हो चुका है और कल वो दिन है जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और अब आपको आज के अनुष्ठान के बारे में तफसील से बताते हैं, डिटेल में जानकारी देते हैं। देखिए, रामलला के मंडप की पूजा और हवन आज किए जाएंगे, ये जानकारी मिल रही है, और साथ ही 108 कलशों के औषधि युक्त जल से रामलला का दिव्य स्नान भी कराया जाएगा। यहाँ पर मध्याधिवास और शय्याधिवास का अनुष्ठान भी आज ही पूर्ण किया जाएगा। मध्याधिवास मूर्ति को शहद के साथ रखा जाएगा, साथ ही शय्याधिवास में मूर्ति को शैया पर लिटाया जाएगा। मूर्ति को सुलाने की परंपरा को शय्याधिवास कहा जाता है और आज ये दोनों महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है वो होने वाले हैं। तो 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले राम मंदिर का एक नया वीडियो भी सामने आ चुका है। इस वीडियो में राम मंदिर की शोभा देखते ही बन रही है, फूलों की खूबसूरत सजावट इसे बेहद भव्य और दिव्य बना रही है। देखिए, ये तस्वीर सामने आई है, साथ ही इसकी बनावट भी बेहद खूबसूरत लग रही है। यानी प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में भरपूर रौनक है, राम मंदिर में चकाचौंध है, पूरी राम नगरी इस वक्त जगमगा रही है क्योंकि प्रभु श्री राम का आगमन हो रहा है और 22 जनवरी यानी कि कल की तारीख जब रामलला विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा उनकी पूरी होगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न अयोध्या के साथ साथ विश्व के कई देशों में भी है। हर जगह लोग भक्ति से सराबोर नजर आ रहे हैं। अब आपको हम 5 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं कि कैसे, आप तस्वीरों में देखिए कि राम नगरी अयोध्या जो है वो सज धज कर तैयार हो चुकी है। हम आपको आगे वो तस्वीरें दिखाएंगे, फिलहाल ये 2 तस्वीरें आप देखिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त से पहले राम नगरी कैसे जगमग हो चुकी है, इन 2 तस्वीरों में नजर आ रहा है। एक तरफ राम मंदिर फूलों की सजावट और रोशनी से जगमगा रही है, तो वहीं अयोध्या में एंट्री करते वक्त जो गेट बनाया गया है उसे भी यहाँ फूलों से सजा दिया गया है। और इन दोनों तस्वीरों को देखकर अयोध्या पहुंच रहे सभी भक्तों को त्रेता युग का एहसास हो रहा है। तो आप इन सजावट से समझ सकते हैं कि इस वक्त अयोध्या नगरी अपने प्रभु राम के आगमन के लिए किस तरीके से जगमग कर रही है। वही 22 तारीख की शाम अयोध्या में दिवाली मनाई जाएगी। अयोध्या के सरयू नदी पर बने ब्रिज पर इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा की शाम करीब 10 मिनट तक आतिशबाजी की जाएगी, ये कार्यक्रम तय किया गया है। ब्रिज की बात करूं तो आप देखिए ट्रक्स जो हैं वो खाली करवाए जा रहे हैं। ये ट्रक्स लाइट से और पटाखों से भरे हुए थे और इस वक्त इन पटाखों को बकायदा लोड किया जा रहा है, लाइटों को भी यहाँ लोड किया जा रहा है। ये देखिए आप, यहाँ पर येलो ब्लू विद ग्रीन स्ट्रोब्स, ये अलग अलग लाइट्स हैं मेरे ख्याल से। ये क्या कर रहे हैं आप भैया? अच्छा, आतिशबाजी की। कितने कितने पटाखे आप लेकर आए? बहुत सारे लगे मैम, वो तो अभी काउंटिंग हो रही है। अच्छा, और आप कहाँ से आए हैं? इंदौर से। इंदौर से पटाखे लेकर आए हैं। अच्छा, ये सारे वो ग्रीन पटाखे? ये सारे कलरफुल है। ग्रीन पटाखे मतलब ये नेचुरल ग्रीन जो है वो सारे पटाखे हैं। आपका नाम क्या है भाई? अच्छा पंकज, आप लेकर आए हैं ये सब, ये क्या है आप अगर हमें बता सके तो? ये लाइटें भी कुछ नजर आ रही है? नहीं, लाइटें वगैरह कुछ नहीं है, सारे फायरवर्क से। अच्छा, ये सब फायरवर्क है। और कहाँ होगा ये, कहाँ से? ये पूरे ब्रिज पे हो रहे हैं, यहाँ से 1000 स्क्वायर फीट तक। अच्छा, पूरा 1000 स्क्वायर फीट तक ये ब्रिज पर इसको लगाया जाएगा। हाँ, और ये 22 तारीख की तैयारी शाम की? हाँ, 22 तारीख शाम। यानी शाम का भी कार्यक्रम पूरी तरीके से प्लान हो चुका है? हाँ, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के बाद का ये? हाँ, उसके बाद होगा। आपको इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है? कॉन्ट्रैक्ट इंदौर से पूरा मिला हुआ है। अच्छा, तो आप लोग इंदौर से आए हैं? अच्छा, और हाँ, अच्छा, रैपिड एफएक्स। अच्छा, और यही कंपनी चलाते हैं जाट भाई?
हाँ अच्छा, सब मिलजुल के। तो आप कितने दिनों से जो है इसमें लगे हुए हैं, कितना टाइम लग गया आपको ये बनाने में? 3 दिन हो चुके हैं अभी उनको आए को, पर परमिशन कल मिली इसलिए लेट हो चुके हैं। अभी हो जाएगा उससे 3 दिन में आप कर लेंगे। हाँ। और ये कैसे लगाना है आपको, कहाँ पे लगाएं? ब्रिज पे लगाएं, पूरे ब्रिज पे। पूरे ब्रिज पे? हाँ। कितने पटाखे होंगे? 13 फायरिंग साइट है, वो फटाके तो हजारों के भी लगभग होंगे, उससे ऊपर हो सकते हैं। 13 फायरिंग साइट है, उसमें से एक ये है? हाँ। नहीं मतलब ऐसी 13 किस्म लगेगी। अच्छा। 10 मिनट का पूरा शो रहेगा। हाँ। तो ये इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं तैयारियों की, यहाँ पे 10 मिनट का आतिशबाजी का शो होने वाला है। सरयू के ब्रिज से आपको वो शो नजर आने वाला है। तारीख वो क्या, टाइम क्या होगा, समय क्या होगा? 22 तारीख को टाइमिंग का फिक्स नहीं है, मतलब जैसे ही मंदिर पे उद्घाटन होगा ना, वहाँ पास ओपन होगा, उस जब वहीं पे ऑर्डर मिलेगा और यहाँ पे होगा, फिर शूट होगा ये।